व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। लीग का इफ्तिताही मैच 20 फरवरी को खेला जाएगा, जहां दफाई चैंपियन कराची किंग और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीमें मद मुकाबल आएंगी। दोनों टीमों के मुबैन मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अगले रोज इवेंट में दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में लीग की 5वें एडिशन की फाइनलिस्ट लाहौर कलंदर और 2017 की फातिहा पेशावर जलमी, जबकि दूसरे मैच में दो मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमें एक्शन में नजर आएंगी। 30 रोजा टूर्नामेंट का फाइनल 22 मार्च को कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। 2017 के बाद पहली मरतबा होगा कि इवेंट का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान तमाम स्टेक होल्डर की सेहत और हफाजत की पेश नज़र 34 मैचेस पर मुश्तमिल इवेंट कराची और लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट का पहला मरहला नेशनल स्टेडियम कराची और दूसरा मरहला कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों शहरों में बराबर मैचेस खेले जाएंगे। तमाम टीमों में डे एंड नाइट मैचेस की तकसीम भी बराबरी की बुनियाद पर की गई है। तमाशाइयों की आमद से मुतल्लक कोई भी फैसला इवेंट से चंद रोज कबल किया जाएगा। इस हवाले से हुकूमती सफारशात को महफूज खातर रखा जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 2021 का स्पोर्ट पीरियड 15 फरवरी से शुरू होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।